तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केक, जो बहुत ही आसान है, जिसे हमने बिस्किट से बनाया है। हमने यहाँ पर 3 बिस्किट के पैकेट लिए, जैसे कि पीटा मारी गोल्ड, बॉन बॉन और ओरियो, कोको पाउडर 1 स्पून और बेकिंग पाउडर, वो भी हम 1 स्पून ही लेंगे। ये नाप के लिए हमने स्पून लिए हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल छोटा मिल्क ले लिए है और पाउडर शुगर। इन सब चीज़ों को कैसे बनाना है केक, हम आपको आज बता रहे हैं। अब हम मिक्सी में ये हमारे बिस्किट्स ग्राइंड कर लेंगे। हमने विटा मारी गोल्ड पीस लिए, अब हम बोबन इसके भी ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे, फाइन पाउडर। हम ऐसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसका फाइन पाउडर बन चुका है बिस्किट्स का। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो 5 पैकेट भी ले सकते हैं, 6 पैकेट्स भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 3 पैकेट्स लिए। अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम पाउडर शुगर मिला देंगे, जो करीबन 5 स्पून ली हूँ मैंने। ये स्पून का नाप भी आप डाल सकते हैं, जो आपने कोको पाउडर के लिए यूज़ किए हैं यही स्पून का नाप आप डाल सकते हो। ये देखिए, हमने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया, बेकिंग पाउडर भी हम उतना ही ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है 1 स्पून। पाउडर शुगर डाल दिए हैं, इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़ा मिक्स करते जाएंगे हम। ये बनाने में भी इजी है, आप भी बना सकते हो घर पे। इसके लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सीधा गैस पे, पतीले पे ही बना लेंगे। मिल्क ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप देख सकते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में हमको इसको मिलाना है।
में कोई लम्स नहीं रह जावे, इसके लिए हम उसको लगातार चलाते रहेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है। मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर दी हूँ क्योंकि बहुत ही थिक बन गया था, लेकिन हमको इसको एकदम सॉफ्ट बनाना है तो थोड़ा हमको मीडियम ही रखना पड़ेगा कदम। अबे हम एक बड़ा सा पतीला रख के उसको प्री हीट कर देंगे कम से कम 10 मिनट्स के लिए। अब इसमें हम वैनिला एसेंस डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है, हम इसको अभी पतीली में थोड़ा आटा डाल के, हमने थोड़ा सा मैदे का आटा ले लिया जो हम पतीली में बिल्कुल फैला देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें आटा फैला लिए मैदे का, ताकि बिल्कुल भी चिपक नहीं जावे हमारा बैटर। अब हम इसमें बैटर मिक्स करेंगे। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको और स्पॉन्जी चाहिए तो मैं यहाँ आधा पैकेट इनो का ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसको पतीली के अंदर डाल देंगे। हमने पहले से गैस पे प्री हीट करने बड़ा पतीला रख दिया है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब हम इसको अच्छे से टैप कर देंगे ताकि इसमें बबल्स ना आ जावे। अभी हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है, कम से कम 10 मिनट हमने इसको प्री हीट किया हुआ है। अब हम इसमें एक स्टेनर रख दूंगी मैं और फिर इसके ऊपर हम पतीला रख देंगे। बिल्कुल आसानी से घर में बन जाता है, ये देखिए। इसको हम कम से कम 35 या 40 मिनट्स के लिए बैक होने देंगे, कवर कर सकते हैं। ये देखिए हमने प्लेट पे कपड़ा कवर कर चुके हैं, उसको हम ऐसे ही स्लो पे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी इसको सिर्फ 15 मिनट हुई है, हम इसको चेक करेंगे तो ये आधा होने को है। ये देखिए इसको तकरीबन पूरा रेडी होने के लिए 35 to 40 मिनट्स एग्जैक्ट चाहिए। अब देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारा केक कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा रेडी हो चुका है। अब इसे और 10 to 20 मिनट्स लगेंगे। हमने गैस बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखा है, आप देख सकते हैं।